लेटेस्ट डाइट प्लान के डे 43 में हमने देखा अर्ली मॉर्निंग फेनल टी, ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए ओट्स इडली विद पीनट चटनी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बॉइल्ड एग विद ब्राउन ब्रेड, मॉर्निंग मिड मील में पपाया, लंच में वेजिटेरियंस के लिए स्टफ टमाटोज विद पनीर एंड वेजिटेबल फिलिंग और सैलेड विद चपाती या भाकरी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए स्टफ टोमेटो विद चिकन एंड वेजिटेबल फिलिंग और सैलेड विद चपाती या भाकरी, इवनिंग मिड मील में फ्रूट कस्टर्ड, डिनर में वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए कर्ड राइस। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था क्या कोई ऐसा फूड भी है जो ब्रेन के लिए फायदेमंद है। Welcome to all my viewers, आपके अपने शो में जिसका नाम है 100 Days Diet Plan, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय। कहते हैं कि फन जो होता है वो होता है एंटरटेनमेंट में, लेकिन 100 Days Diet Plan में जो फन है वो होता है डाइट में। तो आइए चलिए देखते हैं कि जो फन है वो डाइट में कैसे ढूंढा जा सकता है, और यही बताने के लिए एक बहुत ही खास न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ में आज मौजूद है, जिन्हें हम जानते हैं लाइफस्टाइल हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से। तो आइए चलिए उन्हें बुलाते हैं। शी इज नन अदर देन मनाल हिरानी। सो मनाल, आप कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आज है हमारा डे 44, और हमने हमारे सारे व्यूअर्स से प्रॉमिस किया है कि आज के दिन हम उन्हें फन और डाइट दोनों का मजा देंगे, राइट? Yes. तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या हम अभी ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करें? Yes, definitely. तो ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आज है चीज पराठा। सो चीज इज समथिंग दैट यू नो नॉर्मली सब लोग बोलेंगे अरे चीज तो अनहेल्दी होता है, उसमें इतना प्रोसेस्ड रहता है, उसमें फैट्स रहते हैं। तो चीज़ में जैसे आप वैरायटी देखेंगे तो मोज़रेला चीज़ होगा, दूसरे भी बहुत सारे वैरायटी होंगे, लेकिन जो मेन है कि आपको जब पैकेट मिलता है उसको आप पढ़िए, तो उसमें अगर दो चीज़ है और आपको एक में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है और एक में इंग्रेडिएंट्स कम है, तो कम इंग्रेडिएंट्स मतलब उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वो कम रहते हैं, और कम प्रिजर्वेटिव्स मतलब हेल्थ ज़्यादा रहता है। तो ये एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि चीज चुनते वक्त चूजी रहिए। यस, यू हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये दो चीज का ध्यान रखना है कि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना है और आपको उसका शेल्फ लाइफ पढ़ना है, उसके बाद चीज इज ऑल योर्स, इट्स हेल्दी। बट ये तो हुई बात वेजिटेरियंस के लिए। यस, बट हमारे नॉन वेजिटेरियंस व्यूअर्स के लिए आज ब्रेकफास्ट में क्या है? वेजिटेरियंस को हमने पराठा दिया, तो नॉन वेजिटेरियंस क्यों पीछे हटे? तो उनको भी पराठा है, तो पराठा आप एग के साथ ले सकते हो, तो एग पराठा रहता है। ओके, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो, या तो आप टमेटोज एंड अनियंस डाल सकते हो। तो आप जब भी रोटी बनाते हो तो पहले आप रोटी बनाइए, उसको जब भी पलटे तभी उसके पहले आप उस पर एग का जो मिक्सचर है वो उस पर डाल दीजिए और उसको फिर टर्न कर दीजिए। तो आपका जो पराठा है वो नॉर्मल वे से नहीं बनेगा, लेकिन आपका एक साइड रोटी रहेगी और एक साइड एग मिक्सचर रहेगा। यस, और इसी के साथ में अब बारी आती है हमारे मिड मील की। तो आज का जो फ्रूट है वो एक सीजनल फ्रूट है जो बहुत लोगों को पसंद है, दैट इज सीताफल कस्टर्ड एप्पल। ट्रस्ट मी, इट्स माय फेवरेट। एक्सीलेंट। लेकिन थोड़े लोग बोलते हैं कि उसमें फैट ज्यादा रहता है, डायबिटिक्स को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि फ्रूट्स में फाइबर रहता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल इतना स्पीड अप नहीं होगा जैसे आप मिठाई खाए या चॉकलेट्स खाए, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई जाता है। एंड सीताफल में एक दूसरी चीज ये है कि उसमें वाइटामिन सी एंड आयरन दोनों प्रेजेंट होता है। okay. तो आयरन तो नॉर्मली हमें जरूरत रहती है, और विटामिन सी अगर साथ में हो तो आयरन का अब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक मेरे जहन में सवाल आया था, आई एम श्योर कि व्यूअर्स के भी जहन में होगा, कि कई लोग कहते हैं कि सीताफल खाने से कभी कभी कफ हो जाता है या सर्दी बुखार चढ़ जाता है, क्या ये सच है? और अगर है तो कितनी क्वांटिटी तक हम खा सकते हैं? तो फ्रूट आप दिन में एक बार खा सकते हैं, और कस्टर्ड एप्पल एक अच्छा फ्रूट है, तो आप दिन में एक बार वो बिल्कुल खा सकते हैं, और फ्रूट खाने से कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगी। So you can enjoy a सीताफल without a guilt once a day. And with this thought, अभी बारी आती है सबसे बड़ी पेट पूजा की। I mean, ये सबसे important time होता है पूरे दिन का, और वो होता है हमारा lunch time. So lunch में आज है, for the vegetarians, we have आलू भाजी की सब्जी with रोटी। It is very famous in the Maharashtrians, as it is very well known. वो सुबह में भी कभी कभी खाते हैं, breakfast में, and afternoon में भी आप खा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप उसे सूखा खाए या आप उसके ग्रेवी फॉर्म में खाए, जैसे भी आप उसको एंजॉय करो, दैट इज अ वेरी सिंपल डिश, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस। बट आलू टू व्हाट क्वांटिटी? एज वी ऑल नो, समटाइम्स आलू इन
बल्क क्वांटिटी सेहतमंद नहीं होता है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आलू कितना एक एवरेज प्रोपोर्शन होना चाहिए? आलू अगर ज़्यादा खाए, लाइक अगर दिन भर अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आपका आलू है, अगर आपके लंच में भी आलू है, डिनर में भी आलू है, सो दैट इज़ नॉट राइट. सो यू शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली. अगर आप सुबह में आलू का पराठा खा रहे हैं या आलू की कुछ सब्जी खा रहे हैं, तो आपको लंच में थोड़ा कम करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए. तो अभी हम सुबह में ब्रेकफास्ट में तो हमने चीज़ डाला है, तो यहाँ पर हम आलू खा सकते हैं. मनाल, वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ आलू की सब्जी और चपाती, उसके अलावा कुछ नहीं? तो आलू की सब्जी और रोटी के साथ आपको लेना है क्यूकम्बर एंड टमेटोज. इससे आपको फाइबर भी मिल जाएगा और पूरा दिन के लिए आपको जोश और एनर्जी भी मिल जाएगा. तो अब बारी आती है नॉन वेजिटेरियंस की. तो आइए चलिए देखते हैं कि डे 44 के डाइट प्लान में लंच में नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है. तो आज के लंच में फॉर नॉन वेजिटेरियंस इट इज चिकन कोल्हापुरी विथ रोटी. रोटी आपको अगर होल वीट आप ले तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है, उसमें फाइबर भी मिल जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो दैट इज़ वन पॉइंट टू बी नोटेड. और चिकन कोल्हापुरी जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र की बहुत फेवरेट डिश है. तो आज जय महाराष्ट्र दिन है. एंड महाराष्ट्रियन डिश में एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट रहता है, वो है कोकोनट, जो करीज का बेस रहता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. So yes, for skin and for hair also. Yes. Please keep this in mind. So yes, so आज की डिश में है चिकन कोल्हापुरी विथ रोटी, विथ होल वीट रोटी. और उसके साथ सैलेड में आप क्या देना चाहेगी? टमेटोज एंड क्यूकम्बर. That's nice. So अब बारी आती है हमारे इवनिंग मिड मील की. मनाल, आप प्लीज हमें बताइए कुछ ऐसा जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, जो हम इवनिंग मिड मील में खा सके. आज के इवनिंग मिड मील में है स्वीट पोटेटो फ्राइज. स्वीट पोटेटो एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट है, सो इट्स वेरी गुड इफ यू इंक्लूड इट इन योर डाइट. And it is nutritious and you will enjoy it. Yes, and that's absolutely amazing. And with this note, अब बारी आती है हमारे dinner time की. लेकिन dinner से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार एक तहे दिल से बात कहना चाहूँगी. सेहत से बढ़कर जिंदगी में और कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी ही नहीं रहेगी अगर अच्छी सेहत नहीं है तो. So, देर किस बात की. अभी आपको बस एक चीज़ करनी है और वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है. और कॉल करने के बाद में यू जस्ट हैव टू से वन थिंग एंड दैट इज हेलो 100 डेज डाइट प्लान. और आपको अपना एक कस्टमाइज डाइट प्लान मिल सकता है. और इसी के साथ में इफ यू वांट तो आपके जितने नियर एंड डियर्स है, फैमिली मेंबर्स है, वेल विशर्स है, आप उनको भी ये डाइट प्लान गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर जिंदगी में कोई और चीज नहीं. सो नाउ द टाइम हैज कम फॉर डिनर. तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे डे 44 के डिनर में मनाल हमें क्या खास देने वाली है. रेडी? डिनर में आज वेजिटेरियंस के लिए है सबसे सिंपल डिश मसूर पुलाव. तो मसूर पुलाव में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं, जो जिससे प्रोटीन बनता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन जिसे बोलते हैं, तो राइस में थोड़े अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो दाल में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, और दाल में थोड़े अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो राइस में नहीं प्रेजेंट रहते हैं. ओके. तो अगर उसको कंबाइन कर ले वे, तो आपका जो प्रोटीन कंटेंट रहे, जो प्रोटीन प्रोफाइल रहता है, जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज वेरी गुड. एंड दाल में तो आपको पता ही है कि फाइबर कंटेंट ज्यादा होता ही है. करेक्ट. यस, एब्सोल्युटली. मुझे एक बात पूछनी थी, पुलाव यानी कि राइस. यस. तो राइस हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, व्हाइट राइस या ब्राउन राइस? ओके. तो राइस जो रहते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं. एक जो व्हाइट राइस है जो बहुत पॉलिश रहता है, एक ब्राउन राइस है जो अनपॉलिश रहता है, एंड बीच में एक रहता है जो अभी आजकल बहुत फेमस है मार्केट में, एंड इट्स हेल्दी टू, दैट इज रेड राइस. तो कभी कुछ लोगों को ब्राउन राइस डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसका फाइबर थोड़ा हाई रहता है. okay. क्योंकि हम सालों से व्हाइट राइस खाते आए हैं. तो जिनको प्रॉब्लम है वो रेड राइस पे जा सकते हैं, एंड देन दे कैन मूव टू ब्राउन राइस. सो दीज आर द थ्री टाइप्स. यस. आई मीन, मुझे तो नहीं पता था कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के अलावा भी कोई एक राइस होता है, एंड दैट इज रेड राइस, राइट? जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत कुछ खास है आज के डिनर में, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए तो खास हो गया. एक मिनट स्नेहल, लेकिन हमने इसे सैलेड तो ऐड किया ही नहीं है. ओ, वो मैं आपको चेक कर रही थी. तो मसूर पुलाव के साथ आप ले सकते हैं अनियंस, टमेटोज एंड थोड़ा सा कोथमीर. तो एक अच्छा आपको कचुम्बर जिसे बोलते हैं वो बन जाएगा, एंड मसूर पुलाव क्या. लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए आज क्या खास है मनाल, मुझे जल्दी बताइए. तो आज नॉन वेजिटेरियंस के लिए है ग्रिल्ड चिकन विद काबुली चना एंड पालक. तो नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, चिकन का ग्रेवी बनाते हैं, तो ग्रेवी नॉर्मली टमेटो बेस रहता है या अनियन बेस रहता है, तो उसमें हम काबुली चना डाल सकते हैं, और हम पालक जो रहता है उसको थोड़ा आप उसमें ऐड कर दे, तो उसका जो टेस्ट रहता है वो मज़ेदार रहता है. काबुली चना में जो रहता है सॉल्युबल फाइबर्स रहता है, इनसॉल्युबल फाइबर्स रहता है. चिकन में तो आपको प्रोटीन बेशुमार मिल जाएगा, टेस्ट भी बेशुमार मिलता है. लेकिन इसके साथ में हम राइस खा सकते हैं या चपाती या कुछ नहीं? तो अभी आज है रेड राइस विद द चिकन ग्रेवी. ओके. अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो रेड राइस, अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो ब्राउन राइस. yes. आप चिकन ग्रेवी के साथ खा सकते हैं. और सैलेड में मनाल आप क्या देगी?
इसमें भी हम कचुंबर ले सकते हैं जो है टमेटो अनियन एंड कोरिएंडर ऑल टाइम फेवरेट फॉर ऑल यस तो ये तो बात हुई हमारे डिनर की और डिनर में हमने वाकई में कुछ खास आज जाना है और सबसे खास बात ये है कि अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है आप हेल्दी रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को लेकिन ब्राउन राइस नहीं खा पाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए सबसे पहले तो व्हाइट राइस को उसके बाद में रेड राइस को थोड़ा सा अंदर लीजिए अंदर लेने के बाद में जब उससे आप लोग हैबिचुअल हो जाए उसके बाद यू कैन ट्राई फॉर ब्राउन राइस एंड विद दिस हमारा डिनर टाइम होता है खत्म एंड नाउ द टाइम हैज कम फॉर हनी डेज डाइट प्लान के डे 44 में मनाल ने बताया ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए चीज पराठा और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग पराठा मॉर्निंग मिड मील में कस्टर्ड एप्पल लंच में वेजिटेरियंस के लिए आलू की सब्जी रोटी और क्यूकम्बर एंड टमाटो सैलेड नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन कोल्हापुरी रोटी और क्यूकम्बर एंड टमाटो सैलेड इवनिंग मिड मील में स्वीट पटेटो फ्राइज डिनर में वेजिटेरियंस के लिए मसूर पुलाव और अनियन टमाटो सैलेड नॉन वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल चिकन काबुली चना पालक ब्राउन राइस या रेड राइस और अनियन टमाटो सैलेड अब रहा जवाब डे 43 के सवाल का क्या कोई ऐसा फूड भी है जो ब्रेन के लिए फायदेमंद है कहते हैं कि ब्रेन के एनहांसमेंट के लिए कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं तो मनाल हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वो जवाब क्या है ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे नर्व सिस्टम रहता है वो सब रेगुलेटेड रहता है ब्रेन से तो ब्रेन के एनहांसमेंट के लिए हमारे पास जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स या फूड आइटम्स जो है वो है वॉलनट्स एंड आमंड्स ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और इसका बेस्ट चीज़ क्या है कि ये बच्चे भी खा सकते हैं जो यंग है वो खा सकते हैं जो वर्किंग है वो भी आप कैरी कर सकते हैं साथ में और घर में भी आपको कभी आप मंच कर सकते हैं इट्स अ वेरी लाइट फूड टू ईट और जो ओल्ड है वो भी ये इंजॉय कर सकते हैं तो आमंड्स एंड वॉलनट्स वॉलनट्स में ज़्यादा अच्छा रहता है आमंड्स में भी जो अच्छा प्रोटीन जो बोलते हैं जो ब्रेन के एनहेंसमेंट में हेल्पफुल है वो प्रेजेंट है एंड जो नॉन वेजिटेरियंस के है उसके लिए फिश में भी अच्छा रहता है जो ब्रेन के लिए अगर कोई नॉनवेज में प्रेफर करना चाहिए yes, then it's fish, okay. but otherwise walnuts and almonds are something that you should go and grab it. Exactly. 100 days diet plan में खाने के बाद में होती है दिमाग की एक्सरसाइज और इसीलिए जरूरी है ये सवाल तो चलिए जानते हैं कि आज का ये सवाल क्या है तो ये रहा टिप 44 का सवाल कुछ लोग कहते हैं कि डेली डाइट मैनेजमेंट से ही होता है वेट मैनेजमेंट लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं रोज डाइटिंग के बजाय एक दिन फास्ट करना ज्यादा फायदेमंद है तो क्या है बेस्ट डिसिप्लिन डाइट रूटीन या फिर 6 days का फीस्ट और एक दिन सिस्टम को रिलीफ सिंपल सवाल सिंपल जवाब लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com तो सोचिए कि इस सवाल का जवाब है क्या तब तक के लिए वेल मनाल मैं सारे व्यूवर्स की ओर से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ क्योंकि आज हमारे डे 44 यानी डबल का जोर में आपने लगा दिए चार चानन फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सो विद दिस नाउ द टाइम हैज कम टू से बाय लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगी कि कल हम दोबारा मिलेंगे विद लॉट्स ऑफ मस्ती लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ डाइट प्लान्स ओनली इन 100 days diet plan till then be safe bye